ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भिलाई से 125 एनएसयूआई के कार्यकर्ता पंजाब गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास भिलाई 3 से भारत जोड़ो यात्रा के लिए जा रहे युवाओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस व एनएसयूआई के जवान लड़के लड़कियां शामिल हो रहे हैं। इन लोगों को राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ये लड़के दोनों तरफ से सुरक्षा घेरा तैयार करने वाले रस्सी को पकड़कर चलते हैं। एक कठिन कार्य यहाँ के युवाओं को मिला है। इन लोगों ने बड़े ही सफल तरीके से पूरे यूपी में यात्रा को संपन्न कराया। हरियाणा और पंजाब की यात्रा में भी हमारे यहाँ के लड़के जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। सीएम ने ट्वीट कर इन सभी युवाओं को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।